सी एस आई आर यू जी सी जॉइंट जे आर एफ नेट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसका अपर एज लिमिट का डाउट आज इसमें क्लियर कर लेते हैं बिकॉज़ फॉर्म अभी आया हुआ है लास्ट डेट भी है सो so यहाँ पे मैं जो अपर एज लिमिट के दो क्लासिफिकेशन हैं उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज एक है आपका जे और दूसरा है आपका लैक्चरशिप तो अभी लेक्चररशिप की अगर बात करें तो लेक्चररशिप जो होती है वो आपकी कोई ऐज लिमिट नहीं है मतलब आप किसी भी एज लिमिट में लेक्चररशिप का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप कोई भी एज लिमिट में हो अगर आप एल एस क्वालीफाई करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी एज में हो आप इसको देंगे और आपको एल एस मिलेगा तीस चालीस पचास साल जो भी एज हो बट अगर आप जे आर एफ दे रहे हैं जे आर एफ का यहां लिखा है मैक्सिमम ट्वेंटी एट ईयर्स ट्वेंटी एट ईयर्स वो भी कब एज ऑन फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है फर्स्ट जुलाई से पहले मतलब जून तक आपकी अगर एज ट्वेंटी एट है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन अगर जुलाई में ट्वेंटी एट प्लस हो जा रही है देन यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज दिस इज़ अ मैग्जिम एज ट्वेंटी एट ईयरस अपर एज लिमिट अब उसके बाद जो अपर एज लिमिट है उसका रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किस किस को ध्यान से सुनिए अगर आप एस सी एस टी थर्ड जेंडर या फिर पर्सन विद डिसबिलिटी हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स तो उनको पाँच साल का रिलैक्सेशन है यानी ट्वेंटी एट प्लस फाइव तो फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो कैटेगरी की हो या फिर जनरल हो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी थर्टी थ्री ईयर्स तो आपकी थर्टी थ्री ईयर्स है फीमेल के लिए तो वो एलिजिबल है जे के लिए नॉट एल एस तो बाय डिफ़ॉल्ट है अब जो दूसरा दिया जा रहा है वो है तीन साल का रिलैक्सेशन किसको ओबीसी को ओबीसी के अंदर भी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मतलब जिनके फैमिली इनकम पेरेंट्स की इनकम लेस देन लेस देन कितना एट लैक्स होता है उनको दिया जाता है ये रिलैक्सेशन तो अगर आप कैटेगरी में हैं तो थर्टी थ्री और तीन साल का रिलैक्सेशन इनको मिलेगा तो थर्टी वन अगर ओ बी सी के अंदर है बट अगर आप फीमेल हैं तो आपका थर्टी थ्री इज़ द मैक्सिमम ईयर इन एनी कैटेगरी सो प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए अदरवाइज़ फॉर्म फिल करेंगे और ये चीज़ जे नहीं मिला और आप जे के लिए फॉर्म भर रहे हैं सो दिस इज़ दिस विल बी ऑल वेस्ट कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड सो जस्ट टेक्सट मी। फॉलो द चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन जिससे कि नेक्स्ट डिस्कशन या नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए थैंक यू सो मच